एबीपीएस न्यूज टीम का अगला पड़ाव जनपद संभल के ब्लॉक संभल में स्थित खगुपुरा गांव पड़ा। लगभग 6000 की आबादी वाला यह गांव जिला मुख्यालय से 30 किलोमीटर दूर तो वहीं ब्लॉक से इस गांव की दूरी मात्र 5 किलोमीटर ही है। वर्तमान में गांव की प्रधान क्रांति देवी हैं। लगभग 3000 वोटर वाला यह गांव विकास के पथ पर अग्रसित है। बात अगर शिक्षा के स्तर की जाए तो गांव के जूनियर एवं प्राइमरी विद्यालय में 377 बच्चे शिक्षा ग्रहण करते दिखाई दिए, जो विद्यालय में शिक्षा की बदहाल स्थिति को बयां करने के लिए काफी है। बात अगर विकास कार्यों की जाए तो गांव में पेयजल आपूर्ति व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए 100 हैंडपंप लगवाए गए हैं। व विद्युत व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए 150 विद्युत पोल, 7 विद्युत ट्रांसफार्मर व 30 सोलर लाइटें भी लगवाई गई हैं। इसी के साथ वर्तमान प्रधान द्वारा गांव में खडंजे, सीसी टाइल्स रोड, स्कूल में शौचालय, आंगनबाड़ी केंद्र, स्वच्छ भारत मिशन के तहत 165 शौचालय तथा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 15 आवास भी बनवाए गए हैं। वहीं वर्तमान ग्राम प्रधान ने एबीपीएस न्यूज के माध्यम से गांव में सीसी टाइल्स रोड, पानी निकासी के लिए नाला, शमशान घाट, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 100 आवास तथा स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालयों के निर्माण की मांग राज्य व केंद्र सरकार से की है। ग्राम प्रधान पति डॉक्टर राम मंजन सिंह हूँ और मैं अपने गांव के अंदर सीसी टाइल कार्य व शौचालय निर्माण व स्कूल की मरम्मत, शौचालय और फ्रीजर और सोलर लाइटें, एलईडी लाइटें बहुत कुछ कार्य कर चुका हूं और मैं अब भी अपने पे विश्वास करता हूं कि सरकार ज़्यादा से ज़्यादा धनराशि हमारे गांव के लिए दे, मैं गांव को उज्जवल बना दूंगा और बहुत ही अच्छे तरक्की पे रास्ते पर ले जाऊंगा। कुछ मेरे गांव की समस्याएं, एक तो नाले बनने बहुत ज़रूरी हैं, पानी का भराव का विकास नहीं है और ये है कि मेरे गाँव में एक शमशान घाट बनना भी बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि बारिश या कोई आंधी या तूफान कोई मैयत हो जाती है तो उसके दहन संस्कार में बहुत ही बड़ी परेशानियां आती हैं। मैं योगी जी से अपनी निम्न प्रार्थना करता हूं कि मेरे गांव के लिए ज़्यादा से ज़्यादा धनराशि देने की कृपा करें और जो मेरे पास धनराशि आई है उसका मैं उपयोग पूर्ण रूप से सत्यपूर्णता से कर चुका हूँ। मेरा नाम रामनाथ है, मैं ग्राम खगुपुरा का रहने वाला हूँ और यहाँ के जो विकास कार्य चल रहे हैं बहुत बढ़िया चल रहे हैं। प्रधान जी बहुत अच्छा काम करा रहे हैं।